एल्डर uh, इस समय मैं ये समय एल्डर श्यामल शो को देना चाहती हूँ उससे पहले कि मैं आज के हमारे वक्ता इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ एक छोटा सा uh, वो हमारे नेपाली uh, कॉल में जुड़े हैं और uh, uh, वो हमारे नेपाली कॉल को लीड करते हैं uh, और uh, वो मॉडर्न स्कूल मॉडर्न इंग्लिश स्कूल नेपाल में पढ़ाए थे एज ए टीचर और आदर्शा विद्या मंदिर हाई स्कूल में भी वो एज ए टीचर काम किए थे और लवली एंजल्स इंग्लिश स्कूल में वो आ, तो इसी के इस साथ ये हमारे साथ हमारी प्रार्थना में जुड़े रहते हैं और आ, ये प्रार्थना के पीछे नहीं है और फुटबॉल में ये अपना प्रथम स्थान को देता है तो एल शामिल सर ये समय आपका है थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम जब आज हम मैसेज की बात कर रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो काम है वो है ईश्वर की वंदना करना प्रार्थना करना आइए हम प्रार्थना करें हे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद है कि आपने हम सब को ये मौका दिया है प्रभु जी कि हम सब प्रभु जी अपने आप को जांचें परखें और अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाए हैं प्रभु जी इस समय हम लोग आए हैं आप प्रभु जी हम लोग के साथ उपस्थित होकर के हमें आशीषित कीजिए और हर कुछ आपकी महिमा और प्रेम के अनुसार हो सके आमीन। जब हम आज के मैसेज की बात करते हैं तो मैंने चुना है यह एक महत्वपूर्ण जीवन है शीर्षक मतलब, है, है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आज हम सबों को एक बार अपने आप को देखने की आवश्यकता है हमारे साथ जितने भी उपस्थित लोग हैं अगर वो सब लोग अपने आप को एक बार देखते हैं तो उन्हें ये पता चलेगा कि वास्तव में ए, उनका जीवन कैसा है किस प्रकार का जीवन जीवन वो 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 बिता रहे हैं है? और क्या वो, उनका वो जीवन जो है इस संसार के लिए उपयोगी है क्या वे डर में जीते हैं क्या उनके मन में हमेशा शंका लगी रहती है कि वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे क्या वे निराश हो जाते हैं भयभीत हो जाते हैं अधीर हो जाते हैं और ना जाने कितनी कितनी बातें मन में आ जाती है कहने का मतलब ये है कि जब हम आज बात करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हम लोग परखें देखें हम लोग फिजिकली कैसे हैं और हमारा मनोबल कैसा है हमारा हृदय कैसा है हमारी चाहना कैसी है क्या ये सब कुछ हमारे इस जीवन में जो हम पाए हैं एक गिफ्ट के रूप में एक सौगात के रूप में क्या उसको हम लोग वास्तव में उसका प्रयोग कर पा रहे हैं क्या उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं क्या उसको हम लोग अपने जीवन में उसका उसका कोई भी महत्व है इस जीवन का क्या हमारा यह जीवन किसी दूसरों के काम आ रहा है और आपको बहुत बार ऐसा लगेगा इस जीवन में मैंने दुखी पाया है मैंने कभी सुख नहीं पाया हर चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कठिनाइयां आती हैं और ना जाने कितने कितने प्रश्न आपके मन में आते होंगे लेकिन कभी भी आपने ये सोचा है कि ऐसी ही स्थिति शायद उस समय यीशु के साथ भी रही होगी जो यहाँ आए होंगे लेकिन उन्हें क्यों आना पड़ा आप कभी आपने सोचा है कि उन्हें आना क्यों पड़ा क्योंकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी इस धरती पर आने की वो अपने पिता के साथ बहुत खुश रहे होंगे उन्हें सभी जो स्वर्गीय जो भी सुविधाएं हैं सब उनको प्राप्त हुई होगी लेकिन फिर भी वो क्यों आना चाह रहे हैं वो इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि वो हम सबसे बेहतिया प्यार करते हैं जिस प्रकार से जब माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं अपने बच्चे के लिए जो भी उनके मन में होती है सब करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं आइए हम देखें कि वास्तव में ये जो एक महत्वपूर्ण जीवन मैंने आज चुना है क्यों चुना है क्योंकि आपने जो भी ये जीवन पाया है चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या विद्यार्थी हैं या घर में काम अपना गृहस्थी चला रहे हैं हर चीज में उसका कुछ ना कुछ महत्व तो है और वो महत्व तो ऐसा होता है जिससे कि केवल आपका नहीं बल्कि दूसरों का भी उससे बहुत बड़ा संबंध जुड़ा हुआ होता है जैसे कि कल्पना करिए किसी एक गृहिणी की बात करें किसी एक लेडी की बात करें जो कि घर में वाइफ जैसी है लेकिन क्या उसका वो जीवन उसके लिए है उसे अपने पति की सेवा करनी पड़ती है पति के परिवार की सेवा करनी पड़ती है बच्चों की सेवा करनी पड़ती है और पूरे घर की भी सेवा करनी पड़ती है पूरे घर को साफ करना पूरे घर को व्यवस्थित करना कि क्या वह गृहिणी का काम नहीं होता तो आप देखिए ये जीवन कितना महत्वपूर्ण हो गया है एक गृहिणी और वो कितने लोगों का साथ दे पाती है और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जो भी जिस क्षेत्र में है चाहे वो बच्चा है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर, पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एक साथ उनका भी काम आप देखिए कितना काम करना पड़ता है उनको केवल क्या उनका पढ़ाई लिखाई से ही मतलब है क्या उनका धर्म से ही मतलब है नहीं उनके घर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो तो उन्हें करने पड़ते हैं और उनके उन कामों से बहुत ज्यादा दूसरों को भी फायदा होता है तो जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार की जो सृष्टि की है जिसके बारे में हम अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो उत्पत्ति एक, एक, एक चौबीस छब्बीस और अठाईस तक हम देखते हैं कि ये संसार कैसा था परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि की क्योंकि वो ये जो पृथ्वी है ये पहले बेडोल थी अस्त व्यस्त आकार में थी इसको एक आकार दिया गया इसको एक शेप दिया गया और वो शेप जो था बहुत प्यारा है जो हम लोग देखते हैं और हम लोग प्रकृति से प्यार करने लगते हैं हम प्रकृति के सौंदर्य को देख ईश्वर ने सृष्टि ऐसी की है हम देखते हैं और खुद देखते ही रह जाते हैं और हम फिर देखते हैं कि पृथ्वी से हर जाति के जानवर पशु और रेंगने वाले जंतु और हर प्रकार के जंगली जानवर उत्पन्न हो ऐसा ही हो गया ईश्वर ने जो जो सोचा जो जो उनके मन में आया और जैसा कहा वैसा होता गया और फिर उन्होंने नर और नारी इसकी भी सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी उनको बरकत दिया और उनसे कहा खूब फलो-फलो और सारी पृथ्वी पर छा जाओ और सब चीज को अपने वश में कर लो मछलियों और सब पक्षियों सब जानवरों पर अपना अधिकार रखो तो हम यहां पर पाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी इसलिए बनाया ताकि वे पैरेलल होकर के साथ मिल करके इस जीवन की गाड़ी को बड़ी ही सुगमता से चला सके क्या कोई एक नर या कोई एक नारी अकेले इस संसार को चला सकता है क्या उसके लिए संभव है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि, कि अकेला रहना पसंद करते हैं तो क्या उनका वह जीवन सुखद होता है और हम जब परमेश्वर के प्यार के बारे में देखते हैं तो ये परमेश्वर एक पिता के समान हमारे साथ व्यवहार करता है वो एक पिता जो अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है जैसे कि अगर हम अपने पिता से मांगते हैं कि पिताजी मुझे भूख लगी है तो कभी भी वो हमें पत्थर नहीं देते हैं वो हमें कभी भी साफ खाने को नहीं देते हैं जब हम उन्हें क्या मानते हैं तो परमेश्वर वो परमेश्वर है लेकिन वो पिता के समान होते हैं और पहला और आठ का अगर देखेंगे तो वहां पाते हैं कि केवल एक भी परमेश्वर है अर्थात पिता जिसने सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपना होने के लिए बनाया है वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया क्यों भेज दिया क्योंकि हम लोग भी उनके संतान है हम लोग दुख थे दुखी थे हम लोगों को पता नहीं था कि संसार में हमारे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है इनको समझाने के लिए हमें परीक्षाओं से बचाने के लिए और उन्होंने अपने पुत्र को भी इस धरती पर भेज दिया ताकि हम आए और आकर के ईश्वर के उस उस महत्वपूर्ण चमत्कार से हम दो चार हो सके जो था यीशु मसीह के रूप में हमारा धरती पर उनसे भेंट घाट मुलाकात दो दूसरी क्रंथिया उसका एक और तीन में भी हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि ईश्वर का प्रेम कितना महान था वैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कोई पुत्र अगर अपने पिता से रोटी मांगता है तो वो उसके लिए कुछ दूसरा चीज नहीं देता है वो कोई पत्थर नहीं देता कोई सांप नहीं देता है इन सब बातों को हम बाइबल में अच्छी तरह से देखते हैं मत्ती के साथ से नौ और ग्यारह को अध्यात्म रंग पढ़े तो पाते हैं वो परमेश्वर एक पिता के समान हमारे जीवन में काम करता है और पिता अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है खुश रखना चाहता है और हम लोगों ने जाना कि परमेश्वर जो है वो अंतर्यामी है वो दिखता नहीं है नहीं दिखता है तो उन्होंने क्या किया अपने पुत्र को भेजा इस धरती पर यीशु मसीह के रूप में ताकि हम परमेश्वर को जान सके हम परमेश्वर को समझ सके और हमारी सृजना भी कैसे की अपने स्वरूप में किया मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का यथार्थ स्वरूप है परमेश्वर के कुछ भी बनाने से पहले वह था वास्तव में मसीह स्वयं सृष्टि करता है जिसने आकार और पृथ्वी की सब वस्तुओं को सृजा उन वस्तुओं को जिन्हें हम नहीं देख सकते कुलूसियों का अगर एक का पंद्रह और सोलह पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो वास्तव में ऐसे आश्चर्यजनक काम करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन वो क्यों करता है क्योंकि वो वो हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है अगर हम देखें कि परमेश्वर और हमारा क्या संबंध है तो परमेश्वर को अगर एक तरफ रखा जाए और सारी दूसरी चीज को एक तरफ से रखा जाए तो हम क्या पाते हैं हम ये पाते हैं कि परमेश्वर जो है उन सब से ज्यादा शक्तिशाली है वह ज्यादा हम सब का मददगार है और यह कहना अतिशोक्ति ना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा प्रमाण आप अगर तिमुथियोस पहला तिमुथियोस का दो से पांच सौ और छे पढ़ेंगे वहां भी आपको इसका अनुभव होगा प्रभु यीशु का प्रकृति की प्रत्येक वस्तुओं पर प्रभुत्व है आपको वो घटना याद होगी कि जब यीशु और उसके शिष्य नाव पर सवार थे और यीशु ने शिष्यों से कहा आओ हम झील के उस पार चलते हैं जब वे नाव में आगे बढ़े तब यीशु सो गए इतने की आंधी आती है आंधी इतनी भयंकर हो जाती है कि नाव में पानी भरने लगता है शिष्यों के प्राण जो है वो संकट में पड़ जाते हैं डरने लगते हुए शिष्य जल्दी से यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु हे स्वामी हम तो डूब रहे हैं और यीशु ने आंधी से कहा शांत रहा तुरंत आंधी और लहरें थम गई और जल शांत हो गया यीशु ने शिष्यों से कहा कहाँ है तुम्हारा विश्वास आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है जो हम अपने जीवन में देखते हैं जिस प्रकार से शिष्य जो थे वो बहुत चक्के रह जाते हैं उन पर बड़ा भय छा जाता है और उन्हों वो आपस में बातचीत करने रहते हैं। ना जानिए कौन है जो आंधी और पानी की लहरों पर भी अपनी आज्ञा चलाता है जब हम ये बात लूका के 8 से 22 से 25 में पढ़ते हैं देखिए कैसी अनोखी बात है हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहते हैं अरे यहाँ बैठ जाओ वहां बैठ जाओ ऐसा करो वैसा करो लेकिन ऐसा नहीं है जब यीशु जो है वो केवल मनुष्य पर नहीं बल्कि वे समुद्र के जो जीव जंतु हैं जो आकाश के जो जो भी पशु पक्षी है उन सब पर भी उनका नियंत्रण होता है और आगे और हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु का जो अधिकार है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है जब भी उन्होंने कोई उपदेश दिया तो पूरे अधिकार के साथ उपदेश दिया उन्होंने वो उनके उनके पास कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि ऐसा पहले हुआ था इसलिए अब ऐसा कर रहे हैं बल्कि वो एक अधिकार से जैसे पिता के पास एक अधिकार होता है वो, और बच्चे को यह पता होता है कि उसका पिता सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है शायद ये सभी बच्चे अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और जब भी यीशु सभा में उपदेश देते थे तो उस समय वे एक अधिकारी की राय बोलते थे वे अपनी बातों को दूसरों के कथनों से प्रमाणित करने की कोशिश कभी नहीं करते थे जैसा कि दूसरे क्या करते हैं और जब हम देखते हैं कि जब एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा हुई थी और वो चिल्लाकर कहने लगा नास्तत के यीशु आप हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं परमेश्वर के पवित्र पुत्र और यीशु ने दुष्ट आत्मा को तुरंत आगे दी और वो चुप हो जाए और उस व्यक्ति में से निकल जाए और ये सुनते ही वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को बड़े जोर से हिलाकर चीखते हुए निकल गई लोगों को बहुत बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य करना भी चाहिए यह किस प्रकार का क्या धर्म है यह क्या बात है जो दुष्ट आत्माओं पर भी उसकी आज्ञाएं चलती हैं। मरकुस के एक इक्कीस से सत्ताईस तक अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं पर आत्माओं पर भी उनका उतना ही अधिकार था जैसा कि मनुष्यों पर वो करते थे और अगर आप अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन को नव जीवन में प्रदान करने के लिए वो जीवित है आप सोचिए मसीह का मरना क्रूस पर चढ़ना और फिर से जीवित हो जाना ये किस बात का सूचक है ये इसी बात का सूचक है कि हम फिर से जब अपने स्वर्गीय घर में जाएंगे तो उसके बाद फिर से हम एक बार अपने सभी लोगों के साथ फिर से एक बार मुलाकात कर पाएंगे क्योंकि ये उनका वायदा है क्योंकि प्रभु यीशु क्या करता है आपको नया जीवन प्रदान करता है और इसीलिए वो जीवित भी है प्रभु यीशु हमारे पाप को क्षमा करने वाला भी है और अगर हम आगे की बात देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसा भी समय आया कि जब किसी लकवे के रोगी को उन्होंने आज्ञा दी उठ अपनी खाट उठा और घर चला जा और उसने भी ऐसा ही किया और ये फिर आश्चर्य की बात हो जाती है जब हम ये बात लू का पांच के अठारह से बाईस चौबीस से तीस ये पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमने परमेश्वर के उस काम को देखा जिस काम को मनुष्य सोच भी नहीं सकता है तो ईश्वर जो है उस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब विश्वास नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं हम बस एक ही काम कर सकते हैं और वो है निराशा में डूब सकते हैं हम अपने आप को जीवन को व्यर्थ मान सकते हैं और फिर उसके बाद हमारा क्या अंत होगा इसके लिए कुछ कहना नहीं है वो अंत अपने आप से लिखा है हो जाएगा लेकिन अगर हम अपने आप को अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम ईश्वर के उस प्रेम को समझ पाए हम ईश्वर के उस, उस, उस मतलब पल को समझ पाए कि, कि किस प्रकार से ईश्वर हमारे में परिवर्तन ला सकता है क्योंकि इब्रानियों एक से सोलह में भी ऐसा कहा गया है कि जो कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है और उन लोगों को प्रतिफल देता है जो सच्चाई से उसकी खोज करते हैं तो आपने देखा कि जब हम पिता के पिता जो है जब वह हमें ऊपर में उछाल देता है तो हमें बच्चे को पता होता है कि पिता जरूर से उस बच्चे को लपक लेगा उसको नीचे गिरने नहीं देगा ठीक वैसा ही जब हमारे पास समस्याएं आती हैं, दुख आता है तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि वो पिता है वो हम सबों का कल्याण ही करेगा वो हमें किसी गलत और मुसीबत में नहीं छोड़ देगा और हम बहुत बार ये सुने हैं देखे हैं कि जब वो क्रूसीफाइड हुए थे जब वो मरे थे तो उनके साथ दो और भी थे जो साथ में उन्होंने कुर्बानी दी थी और ये तीनों का एक साथ मरना ये किस बात का सूचक है यह इस बात का सूचक है कि जिस प्रकार से मसीह ने इस सांसारिक जीवन को छोड़ा फिर से स्वर्गीय जीवन को अपनाया और फिर बाद में हम समों को भी ऐसी ही वाचा दी कि हम लोग भी उसी स्वर्गीय आनंद की अनुभूति ले पाएंगे अपने जीवन में जैसा ईश्वर ने हम लोग के साथ इस संसार में रह के दिखाया था ये सब बातें हम पहला पत्रस के दो से चौबीस में देख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगह से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं परंतु जगत के उद्धार के लिए भेजा है जो उद्धार प्राप्त करने के लिए उस पर विश्वास करता है वह अनंत दंड का भागी नहीं होगा परंतु उस पर विश्वास न रखने वालों का न्याय हो चुका है और परमेश्वर के एक पुत्र पर विश्वास न करने के कारण उस पर दंड की आज्ञा भी हो चुकी है तीन का सोलह और अठारह में हम देखते हैं और अगर हम इस बात को देखें तो यह भी मानते हैं हम कि प्रभु यीशु मृत्यु के बाद हमें जीवन भी प्रदान करता है यीशु ने कहा था पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जिएगा और जो जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा ये हम योनाह के 11 से 25 और 26 में देखते हैं इतना ही नहीं हमारा प्रभु जो है वो भविष्य का जानने वाला है प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय हुआ और आज भी हम सबों के बीच में वो जीवित है जब हम रविवार के सवेरे की याद करते हैं तो जब वो महिला सुगंधित लेप लेकर कब्र पर जाती है तो क्या देखती है कि कब्र के द्वार पर खड़ा हुआ वो बड़ा सा पत्थर लुड़का हुआ है परंतु यीशु का शव वहां नहीं था वहां की डेड बॉडी वहां नहीं थी और वे आश्चर्य में डूबी रहती है तो ये क्या है ये इसी बात का द्योतक है कि यीशु जो है, वो अपने स्वर्गीय घर जाने से पहले हम सबों को एक बार फिर से अब बता देना चाहते थे कि तुम मृतकों में मुझे ना ढूंढो क्योंकि जीवित को कब्र में क्यों ढूंढते उन्होंने कहा ऐसा कहना था और उनका यह भी कहना था कि बुरे लोग जो है मसीह को पकड़वा देंगे उन्हें क्रूस पर भी चढ़ाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे लुका चौबीस का एक से सात तक देखते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ईशु मौका देता है लेकिन हम लोग उस मौके का मतलब गलत या दुर, कहे तो दुरुपयोग कर देते हैं और हम लोग ईशु को बार बार फांसी पर चढ़ा देते हैं बार बार क्रूसीफाई कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम वो कर रहे हैं जो शैतान हमसे करवा रहा है इसी प्रकार से आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बहुत बहुत जरूरी है जो आपको नया जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक है और वो क्या है कि अंगीकार कीजिए स्वीकार कीजिए कि जो जीवन आपका होना चाहिए वो जीवन आप यापन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है रोमियो तीन का तेईस यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है रोमी छ का तेईस में भी हम देखते हैं कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन का हल पाने के लिए हमें यीशु की शरण में आना ही पड़ेगा पश्चाताप करना ही पड़ेगा और उससे अपना नया जीवन उतार जीवन आरंभ करना ही चाहिए और हमें अपनी कीमत को भी जानना चाहिए कि हम किस प्रकार के कीमत क्योंकि कोई भी चीज जो है मुफ्त में नहीं प्राप्त होती है हमें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है तो हम क्या कीमत चुकाना चाह रहे हैं यीशु को प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन किस कीमत पर इस बात बहुत जानना जरूरी है तब यीशु ने ऐसा कहा यदि तुम में से कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले मरकुस का आठ चौतीस और पैंतीस पद में ऐसा लिखा हुआ है तब देखिए यीशु ने साफ साफ कह दिया है कि कोई व्यक्ति केवल सुख और लालसा का जीवन बिताना चाहता है तो उसका और यीशु का साथ कभी नहीं हो सकता लेकिन इसका अर्थ यह भी आप ना लगाए कि यीशु नहीं चाहता कि आपको सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो क्यों वो चाहता है कि आपको वो सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो लेकिन कैसे किन शर्तों पर जब आप अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि आप अपना जीवन दूसरों के लिए भी समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहें आपको उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि आप अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर इस जो यीशु का यहाँ आगमन है उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुमसे पूर्णतः सत्य कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर परमेश्वर पर विश्वास विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है तो हमने ये देखा यौना के पांच चौबीस में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए जिस प्रकार से हम हम सब जब अपने कक्षा में होते हैं तो जो भी शिक्षक कहते हैं तो हम उस पर आंख बंद करके उसको विश्वास करते हैं क्यों क्यों मानते हैं इसलिए मानते हैं कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है उसी प्रकार से जब ईश्वर ने कहा है कि विश्वास करो तो विश्वास करना ही चाहिए और इतना ही नहीं ये इसके ये जो पद है जो मैं कहने जा रहा हूं कि बहुत बड़ा काम ट्वेंटी फोर सेवन कर रहा है अपने विश्वास को दूसरों से बांटिए आपने विश्वास तो प्राप्त कर लिया लेकिन यहाँ तक आपका काम नहीं है इसके आगे भी है और वो ये है कि जो विश्वास आपने प्राप्त किया किस प्रकार के का अनुभव किया उस अनुभव को आप दूसरों से जरूर बांटिए और मैं बहुत बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि ट्वेंटी जो है पूरे विश्व में इस विश्वास को बांटने का काम बड़ी सिस्टमेटिक रूप से करने की कोशिश कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है एक ऐसा समय भी आएगा कि जब ही जब सभी अंग जब कहते हैं ना जब सभी जीव एक ही प्रकार से यीशु का गुण करने लगेंगे तो वह होगा यीशु का दूसरा आगमन क्योंकि यदि तुम अपने मुंह से दूसरों को यह बताओगे कि मसीह यीशु तुम्हारा प्रभु है और अपने में विश्वास करो कि परमेश्वर ने मसीह को मृतकों में से जिलाया है तो तुम उद्धार पाओगे क्योंकि अपने हृदय में विश्वास करने से कोई व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में ठीक बनता है और अपने मुख पर से और दूसरों को अपने विश्वास के विषय में बताकर अपने उद्धार को दृढ़ करता है ये रूमियों दस का नौ और दस में लिखा हुआ है अब यहां पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति किसी एडवर्टीजमेंट के बारे में सुनता है कि सोनी टीवी बहुत अच्छा है और सोनी टीवी अच्छा है जब वो एक बार सुन लेता है और उसको परख लेता है तो वो अपने साथी से भी कहता है कि भाई अगर टीवी खरीदना है तो सोनी टीवी लेना और उसका साथी खरीदता है सोनी टीवी और वो खुश रहता है कहने का मतलब यह है कि जिस विश्वास को प्राप्त हम किया हमने बड़ी मुश्किल से समझा ईश्वर को और अगर उसके बारे में ही हमने दूसरों से चर्चा नहीं की उस विश्वास के बारे में कुछ बताया नहीं तो वो दूसरा व्यक्ति तो कभी भी खुशी नहीं प्राप्त कर पाएगा क्योंकि वो अपने आप से तो वो खुशी ले नहीं पाएगा क्योंकि शायद उसको उसका उसका जन्म जन्म शायद ऐसे फैमिली में ना हुआ हो उसका जो है ऐसे विश्वासी परिवार में ना हुआ हो जो कि विश्वास को समझता है जानता है तो ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है और यह हमारे अधिकार क्षेत्र की भी बात होती है कि जो विश्वास हमें प्राप्त होता है वो हम दूसरों को बाटे हम लोगों ऐसा लगता है ना कि हमारे इस हिंदी जो प्रेयर मीटिंग होता है जो नेपाली प्रेयर मीटिंग होता है बहुत कम लोग आते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि जितने भी आते आते हैं हैं कम कम से उनका विश्वास विश्वास तो तो बहुत कड़ा है तभी तो आप आते हैं। और एक ना यह विश्वास दूसरों को जरूर अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा यहां पर हमें अपने संख्या के बारे में नहीं सोचनी चाहिए हमें अपने विश्वास के बारे में सोचना चाहिए कि वास्तव तो में हमारा विश्वास क्या बहुत ज्यादा दृढ़ है दृढ़ है या बिल्कुल नहीं है तो अपने विश्वास को बनाने के लिए हमें उसकी कीमत भी करनी पड़ेगी और समय ऐसा आता है जब लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा क्रोधित है हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि यदि यदि तुम क्रोध में हो तो अपने मन में क्रोध को पालकर पाप मत करो सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना न रहे उस पर शीघ्र ही आप धीरे से, तो धीर से यहाँ की बाढ़ जोते जो रहिए और उनसे निवेदन करें भजन संहिता चालीस का एक और तीन में आप पाएंगे कि वास्तव में ईश्वर आपको बहुत बहुत सांत्वना दे रहा है जब आप निराश होते हैं और तो प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो देखिए प्रभु यीशु ने कितना प्यारा वाक्य कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी उसी प्रकार से जब आप भयभीत होते हैं तो उन्होंने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं मैं तुझे दृढ़ करूंगा तेरी सहायता करूंगा और अपनी धर्म में दाहिनी आज से मैं तुझे संभाले रहूंगा ये इकतालीस का दस ऐसा ही कहता है जब आप विफल हो जाते हैं जब आप कोशिश करते हैं आप परीक्षा देते हैं आप फेल हो जाते हैं लेकिन आपको क्या करना चाहिए कोई बात नहीं है दोबारा अच्छी मेहनत करें और उसके बाद आप जरूर पास हो पाएंगे उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में बहुत बार विफल होते हैं तो उस समय हमें अपना पूरा साहस बटोर करके फिर से जीवन को एक बार जीने की कोशिश करनी ही चाहिए ऐसा ही संदेश यशु ने हम सबों को कहा है जब हम अपने आप को दोषी पाते हैं जब हम बहुत अधीर हो जाते हैं और जब हम अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं जब हम पाते हैं कि लोग हमारा इज्जत नहीं कर रहे हैं हमें अनादर दे रहे हैं जब हम ईर्षालु हो जाते हैं और जब हम बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं जब आप हम बीमार हो जाते हैं जब आप थक जाते हैं और जब आप मृत्यु के निकट भी पहुंच जाते हैं और एक ऐसा भी समय आता है जब आपकी परीक्षा होती है परीक्षा तो जीवन में हर को देना पड़ता है चाहे वो विद्यार्थी हो या माता पिता हो या उनसे बड़े बडे लोग हर को अपना जो है वो पास करना ही पड़ता है और ये बात अलग है कि वो किस अंक में परीक्षा प्राप्त पास करना चाहेंगे जब आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं जब आप बहुत ज्यादा पैसे आपको मिल जाते हैं और हम इसके बारे में तिमुथ्यू छह से छः के नौ में पढ़ते हैं जो तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाता है तो एक बात को हमें बहुत बहुत ध्यान में रखना चाहिए और वो क्या है इस संसार में हम क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाएंगे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए इस संसार में जो भी हम पा रहे हैं जो फंडामेंटल जो हमारा अधिकार है और जो हम लोग खाना पीना रहना ये सब पा रहे हैं अच्छा जीवन पा रहे हैं इसके लिए भी ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए एक बहुत बड़ी बात एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे बाइबल ने हम सबों को सिखाया है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा और वो है तीतुस, उसका तीसरा और पहला पद अपने लोगों को स्मरण कराइए कि सरकार और अपने अधिकारियों की आज्ञा माने और सदा आज्ञाकारी बने रहे और किसी भी ईमानदार के काम के लिए तैयार रहे मतलब एक अच्छे नागरिक बनिए और अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए तो इन सब बातों में हम लोगों ने क्या देखा आज कि हमारा जीवन जो है वो वास्तव में केवल अपने लिए नहीं है कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसका जीवन केवल उसके लिए है वही आ, सुखी उसी को सुखी होना चाहिए तो ये शायद हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और हमारे नेपाल में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी कहावत है कि खाना पीना और बानी बानी का मतलब होता है आदत तो अगर हम एस फैमिली में हैं, तो हमें अपने खाने पर बहुत बहुत नियंत्रण करना चाहिए हमें वास्तव में शाकाहारी भोजन का प्रयोग करना चाहिए पीने के लिए हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए और उसी प्रकार से बानी मतलब आदत हमारी आदतें भी ऐसी हों जो सबों को नाराज नहीं करे बल्कि खुश रखे खुश रखने का मतलब बटरिंग नहीं होता है बल्कि ऐसा होता है कि हम दूसरों की इज्जत भी करें अपनी बात भी रखें और वो बात कल्याण के लाइक कल्याणकारी हो सही बात हो इसलिए मैं आज जो है आप सभी परिवारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आप बड़ी हिम्मत से शायद मेरी बातों को सुन रहे होंगे शायद मतलब आपको अच्छा भी लग रहा होगा या शायद आपकी प्रक्रिया कुछ और दूसरी भी हो सकती है लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि संसार में हम सब आए हैं और जब हम इस संसार में आए हैं तो हम लोगों को एक ऐसा जीवन मिला है एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन मिला है जिसका सबका अपना अलग अलग रोल है सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है आज जब बहन पिंकी प्रार्थना को लीड कर रही थी तो मैं देख रहा था उनकी प्रार्थना करने में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है वो बहुत ज्यादा गहराई से समझ समझ के बात कर रही थी और जो बाइबल के कोटेशन है उनको भी बड़े अच्छे से ले रही थी और अपने ही बीच में आप देखिए मेगा बहन को बहन की जो आवाज है उसमें कितनी मधुरता है तो ये सब ईश्वर का वरदान है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो गीत गाते हैं जो 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 प्रियंका जी जी की की प्रिया बेटी है वो दस क्लास का जो एग्जाम दे रही है वो भी इतना अच्छा लीड करती है उसमें गलती निकालना मुश्किल होता है तो ये क्या है ये सब बहुत बड़ी बात है आप सबों में बहुत योग्यताएं हैं बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों ने अपने आप को परिपक्व बना रखा है और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने जीवन को परिपक्व बनाया है तो आप यह जान ले कि ये एक महत्वपूर्ण जीवन है और इस जीवन को जीने का मतलब यही होता है कि कल परसों जब आप ना रहे तभी भी आपको लोग याद कर पाए धन्यवाद